परमानंद सर ने बताया और हम सिमरन से मिलने गए। उस टाइम तक लाइक आई एम माई सेल्फ अ डांसर बट आई हैड नो आइडिया कि गरबा का ये अलग दुनिया इतनी बड़ी है। आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट। और सिमरन से इतना सब सुन के लाइक यू नो वी वर वेरी चार्ज्ड एंड एनर्जाइज्ड कि ये दिस इज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड जो हमें खुद को नहीं पता है और हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और हमारे जैसे और कितने लोग हैं जिनको नहीं पता है, जो लाइक मे बी ओरिजिनली गुजराती नहीं है, जिनका वो एक्सपोजर नहीं रहा है। सो दिस वुड बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि वो सब लोग भी इसे देखें और एक नया इंटरेस्ट पैदा करें। और इतना खूबसूरत डांस फॉर्म होता है वो तो फिल्म के और आगे बाद में चल के जाके पता चला, जब हमने ग्रुप्स में इतने मैसिव घाघरा और तैयार हुए हुए लोग, इतने केड़िया पहने हुए लड़के और लड़कियां, क्या एनर्जी से डांस करते हुए देखा इनको जब शूट के दौरान। एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और वो इतना चार्ज करते कि हाथ में कैमरा था पर दिल कर रहा था कि इनके साथ अंदर जाके घुस जाओ और डांस कर लो। फिर उसके बाद ये और शुरू से एक चाहत थी कि एक डांस फॉर्म पे फिल्म बनाई जाए। सो एंड दिस वीक लाइक आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक दिस फिल्म जो डांस फॉर्म पे थी। और डांस फॉर्म, गरबा, नवरात्रि ये सब चीज़ें तो हैं ही, पर इनके अलावा जो मैं जब भी, क्योंकि एडिट के दौरान बहुत बार इस फिल्म को देखना हुआ, इवन जब से उनसे मिल के बात करके भी, तो जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करी वो उसका जज्बा। और जो जज्बा लाइक यू नो कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए रोका जा रहा है, आप जो करना चाह रहे हो आप कर नहीं पा रहे हो, आप और आपके अंदर इतना क्रिएटिविटी का तूफान भरा हुआ है, एंड हाउ एट एवरी स्टेप यू हैड टू फाइट अपना जो उसके दिमाग में वो पाने के लिए, और वो जो जज्बा और एनर्जी और एंथुजियाज्म है सिमरन का, और जो जैसे जैसे अपनी जर्नी में वो पाते हैं, वो आई थिंक बहुत रिलेटेबल है बहुत सारी लड़कियों के लिए, नॉट जस्ट लड़कियों के लिए, लड़कों पर हर किसी के लिए, जो कि आपने जो सोचा और जो आपका ड्रीम है आप उसको कैसे अचीव करते हो। तो वो बार बार जितनी बार भी फिल्म देखती हूँ वो चीज़ हर बार उतना ही इफेक्टिवली छूती है। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम दिस फिल्म वॉज वेयर शी मेंशंस दैट ईदर आई जस्ट डू वट एवर आई एम टोटली इन लव विद, आई एम पैशनेट अबाउट, और या फिर अगर मैं कोई चीज़ के लिए उतनी पैशनेट नहीं होती और मुझे करनी पड़ती तो देन आई मेक श्योर दैट आई फॉल इन लव विद इट 100% एंड देन डू इट। सो दैट इज समथिंग विच एक्चुअली इंस्पायर्स मी एंड आई होप इट ऑल्सो इंस्पायर्स पीपल हु सी द फिल्म। एंड जैसे ब्रह्मानंद सर ने बताया अबाउट दिस मूवीज हाई लाइफ फिल्म, जिसमें हम ऐसी कहानियाँ ढूंढते हैं जो लोगों को इंस्पायर करें, लोगों को छू सके और हर इंसान उनसे रिलेट कर सके। So I feel this was a beautiful start to that platform, क्योंकि ये कहानी I'm sure सबको visually तो एक visual treat तो है ही, but उसके साथ में बहुत ही relatable, बहुत ही human और एक बहुत ही inspiring story है। मैं यही add करना चाहूँगा कि music, dance, spirituality और personal journey, ये चार चीज अगर मिल जाए तो उससे ये साथ ये चारों चीजें ऐसी हैं कि ऑन इट्स ओन ये आपको एंगेज करते रह सकती है, इंस्पायर करते रह सकती है, कैन गिव यू डिलाइट, जॉय, सब कुछ। मगर स्पिरिचुअलिटी, म्यूजिक, डांस एंड पर्सनल जर्नी, ये चार चीज अगर मिल जाए तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का एक जोश भरा चीज, सिर्फ जोश नहीं है उसमें रिफ्लेक्शन है, उसमें लर्निंग्स हैं, उसमें रिकलेक्शंस हैं, तो हर तरह की चीज़ 25 मिनट में आकर के हमारे दिल को छू जाती है। एक 25 मिनट के पहले और 25 मिनट के बाद यू आर नॉट द सेम पर्सन, सो दैट इज़ द अचीवमेंट ऑफ इवन स्मॉल फिल्म्स लाइक दिस। जो ये 2 घंटे की फिल्म नहीं है 25 मिनट की, मगर वो 25 मिनट आपको एक अलग स्पेस में ले जाती है और वो 25 मिनट आपको एक अलग इंसान काफ़ी मिस कर रही हूँ। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि 6 साल पहले मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी थी हमारे कंट्री क्लब की, ब्यूटीफुल जो वेन्यू है
जो हमारी पिक्चर है. थैंक यू वेरी मच टू आर रिस्पेक्टेड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राजीव रेड्डी जी, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे पैन इंडिया एंड एशिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया 6 साल पहले. और वहाँ से लेके कल्चरल एम्बेसडर जो मैं रही हूँ पेरिस की 2 साल, जहाँ फ्रेंच लोगों के साथ किया है, वहाँ से लेकर श्रीलंका, ज्यूरिक, USA, लंदन, सभी लोगों के साथ मैंने राज गरबा की है. एंड ऑफकोर्स BBC लंदन ने जब मुझे इन्वाइट किया था फॉर 9 नाइट्स नवरात्रि, तो एक अलग ही नशा था. मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं ऑफकोर्स बहुत खेलना बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन जो नवरात्रि का सेंस है वो बिल्कुल मिस नहीं कर रही हूँ. क्योंकि रात को 12 से लेकर 4 बजे तक मेरे UK के शो होते हैं नवरात्रि के. शाम को मैं जजिंग करती हूँ, जो मैं कल भी प्रेरणा राज जज करके आई, परसों शूट था पब्लिकेशंस के लिए, तो मैं खेल रही हूँ. आज भी कंट्री क्लब में मैंने थोड़ा बहुत खेला. और जो स्पिरिट है, यू नो, ऑफ रियली गेनिंग एवरीथिंग, जो स्पिरिचुअलिटी का एसेंस आता है, जो दैट स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन आता है, द फीलिंग आती है, तो इस बार फॉर अ चेंज डांस ज़रूर मिस कर रहे हैं. लेकिन जो ग्लोबली मैं पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हुई हूँ, यू नो, फ्रेंच लोगों से, जापानीज़ लोगों से, चाइनीज से, आज सुबह मेरी कोरियन से बात हुई. सो ये जो सारे वर्ल्ड के लोग जुड़ रहे हैं वो पॉसिबल नहीं होता अगर ये 2020 नहीं होता. तो उस हिसाब से मैं बहुत ही अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि भले मैं खेलना मिस कर रही हूँ, लेकिन जो स्प्रेड हो रहा है वर्ल्ड में नवरात्रि, तो इनफैक्ट हमारा जो सॉन्ग है उसका एसेंस यही है कि पूरे वर्ल्ड से लोग जुड़ें और इस सॉन्ग में डिफरेंट ओरिजिन्स के लोग आएँ. तो ऑनेस्टली खेलना ऑफकोर्स हम सब मिस कर रहे हैं, लेकिन जो एसेंस ऑफ नवरात्रि वो एक अलग ही लेवल पर चला गया है, क्योंकि ग्लोबली हम सब कनेक्टेड हैं, वर्चुअली हम सब कनेक्टेड हैं. यू नो, चैलेंज कभी भी डांस नहीं रहा है. मुझे बड़ा मज़ा आया, बड़ी खुशी हुई मुझे जब मुझे ब्रह्मा सेन ने कहा कि अच्छा, मुझे लगता है कि इसमें ना वो आपके फिल्म फेयर का कवरेज आएगा, आईफा का कवरेज आएगा. मैंने ऑस्कर्स एकेडमी के प्रेसिडेंट पहली बार 90 साल में 90 ईयर्स में इंडिया आए थे, तो उनके दोनों शोज मैंने किए थे. मुझे लगता है कि हमें इन सब का भी कवरेज लगेगा. तो मैं एकदम पूछा, मैंने कहा अच्छा, इनका क्या कनेक्शन है इनसे? क्योंकि जब मैंने इनसे बात की थी तो उनके दौरान, जैसे यू नो द प्रेस्टिजियस फिल्म फेयर अवार्ड में 4 साल से कर रही हूँ, स्टाइल ग्लैमर अवार्ड जो फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, इंक्लूडिंग 2020 जो गुवाहाटी में हुआ था, तो वहाँ पर सभी मुझे कहते हैं यार सिमरन है तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं, वो 8 घंटा एक ही जगह पे खड़ी होती है, ना खाती है ना पीती है. तो ये सब जो भी यू नो मुझे नशा है जिस बात का, ये सब मेरे गरबा से शुरुआत हुई है. क्योंकि गरबा जब मैं खेलती थी 2000 से पहले, मुझे अलाउड नहीं था नाइट्स आउट, तो मैं बहुत आश्चर्य होती थी कि ये लड़कियाँ क्या है आके खाली साइन करके जाती है. जब मैं 11th ग्रेड में थी कॉलेज में, ये करती क्या है लड़कियाँ कि इतना उनके पेरेंट्स अलाव करते हैं. तो वो जो स्पिरिट था कि मुझे भी एक्सपीरियंस करना है, जो पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया ईयर 2000 में, मैंने सबसे जो बड़ा टाइटल है इंडिया का क्वीन ऑफ संकल्प, वो मैंने जीता. और मैं ट्रिप टू यूरोप जीती, तभी तो अफोर्ड नहीं कर सकती थी मैं. लेकिन वो जो वहाँ से शुरुआत हुई, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं इतने लगन से और इतनी दीवानगी से वो करती थी कि मैं 1 सेकंड का ब्रेक नहीं लेती थी. तो मुझे सब लोग कहते थे अरे ब्रेक ले, अभी जजेस आएंगे, पानी पी. तो मैं तो अकेली जाती थी, तो मैंने 1 सेकंड भी, मैं बोलती थी एक भी अगर ताल मेरा मिस हुआ तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ ये 9 दिन ही मिलते हैं जब मैं जी सकती हूँ, और जी सकती हूँ, लंबे सांस ले सकती हूँ और आसमान तक छू सकती हूँ. ऐसे लगता है कि बस मैं एकदम परी हूँ एंड यहाँ पर उड़ने आई हूँ. तो वो सेम फीलिंग मुझे जब भी मैं कोई काम करती हूँ वहीं पे आती है. तो इसलिए मुझे हर काम में कामयाबी मिलती है. और ये इतनी खूबसूरती से आपने कनेक्ट किया है कि मुझे भी एहसास हुआ कि इसलिए शायद मैं ऐसी हूँ. और सभी मुझे कहते हैं, यू नो, आईफा वाले भी कहते हैं यार सिमरन कैसे इतने घंटे खड़ी रहती है, यू नो, लाइक सब लोग बैठ जाते हैं, बाकी सब लोग थक जाते हैं. तो लेकिन मैं तो बोलती हूँ मैं इंतज़ार कर रही थी इसी का, तो आई थिंक मुझे वो बहुत मज़ा आया. चैलेंज सिर्फ इस बात की थी मुझे कि इन्होंने मुझसे कहा कि पूरा कवरेज ले आ. आज तक मैंने, अब तक मैंने ज़िंदगी में अपनी एक भी सेल्फी नहीं निकाली है. तो वीडियो तो दूर की बात है, ऑफकोर्स अभी शोज़ कर रही हूँ टीवी एशिया चैनल पर, तो जूम पे होते हैं वो टीवी चैनल के जो शोज़ विद बॉलीवुड स्टार्स होते हैं.
लेकिन मैंने कहा अब तक तो मेरे पास एक भी सेल्फी नहीं है, तो वो सिर्फ चैलेंज था कि इकट्ठा करना मटेरियल, यू नो, मेरे इतने सालों के अवार्ड्स एंड यू नो ट्रॉफीज भी इकट्ठी की मैंने उसके पहले, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, ये पहली बार मेरा जो घर इतना ब्यूटीफुल बन गया है आप लोगों की वजह से बन गया है, क्योंकि उन्होंने कहा हमें सारा कवरेज चाहिए, तो वो चैलेंज था मेरे लिए कि मैं सबसे फ़ोन करके सारे ऑर्गेनाइजर से यू नो मांग रही थी, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से हमें बहुत सारा कवरेज दिया, इतना कवरेज था कि तन्वी मुझे कहती है अभी इतना कवरेज हो गया, मुझे लगता है 2 घंटे की फिल्म बन सकती है, मतलब इतना सारा भी और नहीं चाहिए, मतलब आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, तो आई थिंक दैट्स बीन अ ब्लेसिंग. सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज एंड द टाइम आई फील वाज अनदर वेरी बिग चैलेंज, कि ये 2 हफ्ते के अंदर फिल्म पूरा शूट करने से बनाना और उसका पोस्ट प्रोडक्शन करके उसको शेमार हमारे लिए चैलेंज ये भी था कि दो तरह के चैलेंज थे, एक तो कि लॉकडाउन से बाहर निकलने थे, 6 महीने से हम लोगों ने सभी वर्क फ्रॉम होम ये सब करके रखा था, तो हमारी टीम जो थी वो आधे स्ट्रेंथ पे हम काम कर रहे थे, तो आप सोच सकते हैं कि अगर आधे स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं इसका मतलब सबके लिए काम दो गुना चल रहा था, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और समय की कमी थी इस लेकर के एक तरह से 3 गुना काम हो रहा था, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था, मगर फिर भी वो आई थिंक जिस जोश में हम लोगों ने शुरू किया और हम करते गए तो वो एक स्पिरिचुअलिटी में एक कॉन्सेप्ट होता है लाइफ के लिए कि आप हम सब जनरली ऑटो पायलट पे काम करते रहते हैं, कि सबको पता है कि क्या क्या हम कर रहे हैं, तो ऑटो पायलट एक चीज़ होती है काम होता है, सोर्स एनर्जी, आप जिस चीज के लिए बने हुए हैं उसमें आप जैसे ही डूबते हैं तो वहां से निकल करके जो भी काम आपके थ्रू होता है वो हमेशा बेहतरीन, खूबसूरत, टायरलेस होता है, मतलब टायरिंग नहीं होता है, थकान नहीं होती है उसमें. आपने कभी बच्चे को देखा है थकते हुए? बच्चे कभी थकते नहीं है ना, बेटा आ जाओ खाना खा लो, बेटा आ जाओ दूध पी लो, बेटा आ जाओ ये, हाँ आया 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 आया, क्यों? क्योंकि वो थकते नहीं है, क्योंकि उनको मन लग रहा है, कुछ उनको मजा आ रहा है. तो इसी तरह का एक सिचुएशन जब हम बड़े होते हैं तो भी होता है, जब हम सोर्स एनर्जी से काम करते हैं जिसमें हमारी तबीयत रखी है, तो उसमें काम महसूस नहीं होता है, समय का पता नहीं चलता, तो ये सारी चीज़ें का ये सारी चीज़ें से बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं एक तरह से होता है. और फिर मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ शमारू का भी कि हम एकदम से नज़दीक आ गए थे, हम यही सोच रहे थे कि अब हम काम को इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शमारू हैज़ ए वेरी थ्राइविंग गुजराती सोलफुल जर्नी, और हम नवरात्रि के ऊपर कर रहे हैं तो वो हर तरफ से वो कृपा बरसते गई, जिसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल. एंड दुष्यंत सोनी स्पेशली, उनकी शूट थी और बहुत ही खूबसूरत शॉट्स मिले. थैंक यू दुष्यंत. बहुत ही खूबसूरत और हम सबके दिल के बहुत करीब है जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होता है ऑफ नवरात्रि, जो डीमन महाशिशुरा के ऊपर है, और जो चाह रहे थे जिनको ये मिला हुआ था, वर मिला हुआ था कि उनको कोई भी मैन
मार नहीं सकता है। और वहाँ से जो शुरुआत हुई इस कहानी की, और दुर्गा माँ ने फिर अपने 9 अवतार लेकर अपने बच्चे को बचाया, और ऑफ कोर्स यू नो माँ काली का रूप लेकर यू नो हर एक रूप जो हर एक दिन वो भी अपना बेस बदल के आता था, जो डीमन था, और माता भी अपने अलग फॉर्म में आती थी जस्ट टू विन ओवर। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमेशा सच की जीत होती है, इट्स ऑलवेज विनिंग ऑफ ट्रुथ ओवर ईविल। और जो माता रानी की शक्ति थी कि जब भी वो कहते हैं ना, माँ अपने बच्चे को जब भी डेंजर में देखती है और जब भी देखती है कि उन पर कोई तो आ रहा है वार करने, तो वो पता नहीं कहाँ से उनको ताकत आ जाती है। तो वो ताकत हम सब में है, क्योंकि लड़कियाँ और वुमेन लेडीज जननी हैं। तो गर्भ का जो मतलब ही है, इसके डेफिनेटली एक मतलब ये भी होता है गर्भों का, दैट इट इज़ कि वो जननी है, उसमें वो शक्ति है। एक होता है ऑफकोर्स कि उसका वो पावर है जो 9 फॉर्म्स ऑफ दुर्गा माँ हैं हमारे, जहाँ पर भी जाते हैं उस वेस में उन्होंने उससे फाइट किया, द डीमन से फाइट किया और हमेशा जीतती गई। तो हमें भी, लड़कियों को भी, जिस भी सिचुएशन में है, बहुत ही काम माइंड से, पॉजिटिव होकर, बैलेंस ऑफ माइंड से सोचकर हर सिचुएशन का हमें सामना करना है। और मुझे इस बात का, मैं सच में कहती हूँ, इतना असर होता है, क्योंकि एक बार आई बीन वेरी लकी टू वर्क विद हमारे सारे जो सुपरस्टार्स ऑफ बॉलीवुड हैं, लेजेंड्स हैं बॉलीवुड के। तो एक बार सुष्मिता सेन मैम से मैं मिली थी, और उनसे जब बात हुई तो मुझे पता चला वो कितना विश्वास करती है दुर्गा माँ में, दुर्गे दुर्गे कहती रहती है। तो उसमें जो शक्ति है, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी सभी लड़कियों से, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं हमें, हम अलग अलग फेजेस, इतने सारे हमारे रूप ऑलरेडी हैं, यू नो बेटी का रूप है डेफिनेटली, यू नो someone is a mother, someone is a sister, इतने सारे जो हमारे रूप हैं, you are a daughter in law somewhere, तो ये सब जो अलग अलग phases होते हैं ना, वो जीने की शक्ति हमें मिलती है नवरात्रि से। और जो हम fasting भी करते हैं, हम इसीलिए करते हैं कि इन जो 9 दिनों में जो auspicious feeling है जो हम fasting करते हैं, तो जब भी हम कोई fast से related चीज़ होती है तो उसमें हमारा mind ज़्यादा काम होता है, focused होता है, तो इसीलिए हम fasting भी करते हैं, जैसे वो strength आए। और मेरे लिए ये हमेशा द बेस्ट टाइम रहता है, क्योंकि इसके अलावा ऑफकोर्स मैं दिन रात काम करती हूँ, लेकिन इन 9 दिनों में मैं फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली सुपर फिट हो जाती हूँ, जो वैलेंटाइंस तक चलता है समवेयर अराउंड फेब मंथ। फिर उसके बाद मैं वेट करती हूँ, नवरात्रि आएगी तो मैं सुपर फिट हो जाऊँगी। तो ये खूबसूरती है इसकी, और सब लड़कियों को कहना चाहूँगी दैट इट इज़ द फेथ एंड ट्रस्ट मी, वो स्ट्रेंथ इज विद इन अस। एक और बहुत खूबसूरत चीज़ है ये एटमॉस्फेयर और जज्बा के बारे में, कि आप अजनबी लोगों से आपके जान पहचान हो जाती है और एक रिश्ता बन जाता है, एक दोस्ती बन जाती है। आप देखेंगे कि जो आपका सबसे प्रियतम दोस्त है आज, वो भी कोई ऐसा वक्त ज़रूर था जहाँ पे वो पहली बार आप मिले, अजनबी था या थी। तो ये एक, आप अपने आप को खोलते हो इसमें, ये डांस फॉर्म ऐसा है कि ये आपको ज़िंदगी के लिए अपने आप को आप खोलते हैं, तो उसमें एक्सपीरियंस आते हैं, लोग अंदर आते हैं, और तो ये जो एक स्ट्रेंजर से जो डर लगा रहता है लोगों को, ऐसे नॉर्मल ये इसमें खुल जाता है, क्योंकि सबका मकसद वही है, वो डिविनिटी जो फ्लो कर रहा है सबके बीच में, सब उसी के, फॉर द फर्स्ट टाइम में एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग बनती है, उससे पर्सनल बॉन्डिंग बनती है, खूबसूरत सा एक माहौल है। और जैसा कि फिल्म में समय ने कहा भी है कि कितना 30,000 लोग एक साथ आते हैं, अलग अलग सर्कल्स बन रहे हैं सब, मतलब वो आप देखने जाएंगे तो इट्स अ बिग हेडेक कि कैसे ये हो रहा है, मगर सब लोग अपने आप। मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि नवरात्रि में जब मैंने कदम रखा तो ऑफकोर्स पहली बार तो वो अट्रैक्शन था, यूरोप ट्रिप जब जीती मैं, लेकिन 2011 में मैंने बेस्ट डांसर टाइटल इन अमेरिका जीता, तो तभी मुझे बहुत खुशी हुई, एहसास हुआ कि ये तो यूनिवर्सल है, और जहाँ भी अगर आप दिल से और अपने सोलफुल कनेक्शन से, अगर आप डिवाइन सोल से कनेक्ट होते हो तो वो कहाँ पर भी जीत सकते हो। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी 2014 में ऑफिशियली मैंने 2 बैक टू बैक टाइटल्स जीते, जो कभी होता नहीं है, एक ग्राउंड से खेलकर प्राइज विन होकर क्वीन का, दूसरे ग्राउंड पर जहाँ पर मुझे पूना महाजन जी ने भी क्वीन का टाइटल दिया था, दैट वॉज फिनोमिनल। और 2007 में भी मैंने 3
क्वीन के टाइटल्स जो फाइनल डे पे होते हैं दशहरे के दिन, क्योंकि उस दिन माता रानी की कृपा हो गई और बारिश आ गई और मैं लकली प्रीति पिंकी में क्वीन बनी थी क्योंकि वो कवर्ड था। तो उस साल भी मैंने संकल्प में भी बेस्ट ड्रेस जीता फाइनल में और मैंने बाइक जीता क्वीन ऑफ एसेस बनकर। तो ये जो ब्यूटीफुल फीलिंग है कि जहाँ जाती हूँ मैं खो जाती हूँ, आई थिंक ये मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जो बहुत ही टची रहे हैं और मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेस ऑफ द गॉडेस से ही हो सकता है। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अजीत खेरपुरी जी की जो नेहा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के हैं हांगकॉन्ग से, एंड ऑफकोर्स पारुल चावला जो सब तक ये कहानी पहुँचाएगी। पारुल थैंक यू सो मच, एंड आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, आप आज भी मैचिंग पहन के आई हैं, मतलब इतनी खूबसूरत हैं आप पहले से ही, और इतनी मतलब यू नो शी इज़ लाइक अ डॉल। तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ तन्मयी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मा सर, इट वॉज बिकॉज ऑफ योर विजन, एंड थैंक यू कि आपने इतना प्यार दिया, एंड ऑफकोर्स अभिनव द रॉक स्टार, थैंक यू सो मच, एंड आप सबके शुक्रगुजार हैं। जय माता दी।